ओके स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक. दिस इज द सेकंड लेक्चर इन द सीरीज ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग. होप यू पीपल लाइक द फर्स्ट लेक्चर एंड होप यू पीपल लाइक दिस वन एज वेल. सो काइंडली शेयर दिस लेक्चर टू एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल एंड लेट्स बिगिन. सो इस लेक्चर में जो हमारा पहला सवाल है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. देखिए, फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आर नथिंग बट वाटर कंटेंट वैल्यूज. वाटर कंटेंट की वैल्यूज हैं ये, ऐसा है. ठीक है, सॉइल के लिए वाटर कंटेंट की जिस प्रकार से वैल्यूज हमने कंसिस्टेंसी लिमिट्स में पढ़ी थी, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिसिटी लिमिट और लिक्विड लिमिट, ये भी वाटर कंटेंट की वैल्यूज थी. सिमिलरली ये भी वाटर कंटेंट की वैल्यूज हैं, पर ये वाटर कंटेंट की वैल्यूज गवर्न करती हैं उस सॉइल की क्रॉप को सपोर्ट करने की क्षमता. मतलब ये है कि जब भी हम सॉइल के अंदर पानी डालते हैं ना, तो वो पानी तीन भागों में बंट जाता है. देर इज थ्री काइंड ऑफ वाटर. द फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल वाटर. ग्रेविटेशनल वाटर होता है हमारे पास. ग्रेविटेशनल वाटर मतलब वो पानी जो जैसे ही अंदर गया तो पोर्स के थ्रू जाके वो सॉइल की ऊपरी सतह में रहने की जगह धीरे से परकुलेट करके नीचे चला गया और ग्राउंड वाटर टेबल में जाके जुड़ गया. समझ में आ गई? तो दिस इज द ग्रेविटेशनल वाटर. द सेकंड काइंड ऑफ वाटर इज नोन एज कैपिलरी वाटर. कैपिलरी वाटर क्या होता है? कैपिलरी वाटर ये होता है, देखिए ये से सॉइल की सरफेस है. सॉइल की सरफेस पे ऊपर से पानी गया. कुछ पानी है जो सीधे जाके कहाँ मिल गया? ग्राउंड वाटर टेबल के अंदर मिल गया. ये ग्राउंड वाटर टेबल है ना. ये ऊपर की जो सॉइल है, ये ऊपर की सॉइल के यहीं पे प्लांट्स उगते हैं और यहीं तक उनकी जड़ें रहती हैं. उनकी जड़ें ग्राउंड वाटर टेबल तक तो जाएंगी नहीं, है ना. दूसरा पानी होता है कैपिलरी का पानी. कैपिलरी का पानी क्या होता है कि जो पानी सॉइल के वॉइड्स के थ्रू होते हुए, ग्राउंड वाटर टेबल से सॉइल के वॉइड्स के थ्रू होते हुए इस रूट के जोन, ये रूट जोन कहलाता है, रूट जोन यानी जहाँ पे रूट्स जहाँ से पानी एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं, तो ये क्या करती है, कैपिलरीज बना लेती है और कैपिलरी बना के ऊपर सक्शन करती है. सक्शन के पीछे का मेन रीज़न क्या है? सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन क्या करता है, कैपिलरीज के थ्रू पानी ऊपर खींचता है और ये जो पानी जो खींचता है ऊपर, ये इसके रूट्स क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ वाटर इज नोन एज कैपिलरी वाटर. द थर्ड वाटर इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर. स्कोपिक वाटर. हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है तीसरा प्रकार का. तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो पानी होता है जो रूट जोन में प्रेजेंट तो होता है, लेकिन वो पानी हमें सॉइल की रूट्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती. रूट जोन से वो पानी सॉइल की रूट्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो सॉइल का स्ट्रक्चर का एक हिस्सा बन जाता है. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तीन प्रकार के पानी होते हैं हमारे पास. तो मोस्टली सॉइल जो पानी, रूट्स जो पानी लेती हैं, वो इस पानी से लेती हैं. ग्रेविटेशनल पानी तो नीचे जाके मिल गया, हाइग्रोस्कोपिक पानी होते हुए भी उससे एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए कैपिलरी जो मॉइस्चर है उससे वो लेती है. दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ वाटर मॉइस्चर कॉन्टेंट्स. अब हम लोग आते हैं फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे. तो फील्ड कैपेसिटी इज नथिंग बट ओमेगा की एक ऐसी वैल्यू जिसके जो इस रूट जोन को सैचुरेट कर दे. सैचुरेट यानी ओमेगा की वो वैल्यू जिसके लिए ये जो प्लांट है ये अपनी पूरी ग्रोथ को अटेन कर लेगा और उससे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड रहेगा उस पानी से, तो उसे हम लोग कहेंगे फील्ड कैपेसिटी. ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ ओमेगा. जो इस रूट जोन के अंदर ओमेगा की वैल्यू है वो इतना कम हो जाए, मतलब ओमेगा तो है, मतलब पानी तो है उसके अंदर, लेकिन इतना कम हो जाए वो पानी कि वो रूट को अगर एक्सट्रैक्ट कर भी ले वो उस पानी को, तब भी जाके उस क्रॉप को या उस सॉइल को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकती. ऐसा यानी क्रॉप को सस्टेन करने के लिए उतना पानी उसके पास अवेलेबल नहीं है. तो ये जो वाटर कंटेंट होता है, दिस इज नोन एज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. तो ये दो प्रकार के वाटर कंटेंट होते हैं हमारे पास. इन दोनों के बीच का जो डेफिसिट होता है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होता है हमारे पास, जब मान लेते हैं ये 20% है, ये 10% है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 10%. ये जो 10% हमारे पास वाटर जो है, ये वाटर हमें देना पड़ता है सॉइल को. यानी इतने पानी में 100% उसके जो क्रॉप है वो उग जाएगी,
इतने पानी में क्रॉप बिल्कुल नहीं उगेगी, तो यानी इतना जो बचा कुचा जो इन दोनों के बीच का जो वाटर है, हमें इतना पानी हमें इरीगेशन के थ्रू प्रोवाइड करना पड़ता है, ऐसा है अगर रेनफॉल नहीं हुई तो। अगर मान लेते हैं कि रेनफॉल हो गई तो इस 10% का कुछ पोर्शन तो मान लेते हैं कि X% तो रेनफॉल ने सेटिस्फाई कर दिया, और बचा कुचा जो 10-X% होगा हमें फिर वो हमको देना पड़ेगा इरिगेशन के थ्रू। समझ रहे हैं आप मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये जो दोनों टर्म्स थे ये मेरे को आपको बताने थे। इसमें आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन इन दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर। What is the relation between the terms duty and delta? Duty और delta के बीच में क्या relation होता है, ये इसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो पहले समझ लेते हैं कि दोनों terms हैं क्या। देखिए समझिए, irrigation को quantify करने के लिए, irrigation को मापने के लिए, उसको measure करने के लिए, उसकी efficiency को measure करने के लिए दो basic terms का उपयोग किया जाता है, duty and delta। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं duty क्या होता है। Duty is nothing but इट इज़ एरिया पर यूनिट डिस्चार्ज। ड्यूटी इज नथिंग बट एरिया पर यूनिट डिस्चार्ज। एरिया इज इन टर्म्स ऑफ हेक्टेयर्स, एरिया हेक्टेयर के टर्म्स में होता है, और डिस्चार्ज हमारे पास मीटर क्यूब पर सेकेंड के टर्म में होता है, ठीक है ना। अब क्या करना है, एक मीटर क्यूब पर सेकेंड, अगर ये क्यू की वैल्यू 1 में पुट कर दूँ, यानी एक मीटर क्यूब पर सेकंड का अगर मैं डिस्चार्ज फील्ड पे लगा रहा हूँ, तो क्या होगा कि कितना हेक्टेयर लैंड उस एक मीटर क्यूब से इरिगेट हो जाता है फॉर अ कंप्लीट इरिगेशन सीजन, या फिर फॉर अ बेस पीरियड। बेस पीरियड कहते हैं हम लोग इरिगेशन जब से लेकर शुरू होता है और जब तक किया जाता है, उस पूरे पीरियड में अगर मैं एक मीटर क्यूब पर सेकेंड का पानी ही लगा के छोड़ दूँ, तो कितने हेक्टेयर की मिट्टी उससे इरिगेट हो जाएगी। दिस इज नोन एज ड्यूटी, दिस इज नोन एज ड्यूटी, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ पे ड्यूटी की बात कर रहे हैं, तो एक और टर्म आ जाता है हमारे पास, दिस इज आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर एक और टर्म होता है हमारे पास। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर क्या होता है? आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर इज नथिंग बट इट इज़ द वैल्यू ऑफ ड्यूटी of the irrigation water which is available at the head of a water course, at the head of a water course। मैं समझाता हूँ क्या होता है। ये हमारे पास एक नदी है, ठीक है। नदी से एक मेन कैनाल निकला, ठीक है। मेन कैनाल से एक ब्रांच कैनाल निकला, ठीक है। ब्रांच कैनाल से एक माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी निकली, ठीक है। और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से जो पानी था वो सीधे हमारी इस खेत तक पहुँच गया। समझ रहे हो? रिवर, ये मेरे पास क्या था, मेन कैनाल, ये माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, और इस तरीके से ये यहाँ पे पहुँच गया। ब्रांच डिस्ट्रीब्यूटरी एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, ब्रांच एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से ये यहाँ पहुँच गया। और ये हमारे पास क्या है, फील्ड। ये हमारे पास फील्ड है, या और वाटर कोर्स भी कह सकते हैं। वाटर नहीं, फील्ड कहेंगे इसको सिर्फ, ये अपनी फील्ड है। तो इस फील्ड के इस एंट्री पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो ड्यूटी की वैल्यू होगी, उसी को हम लोग कहते हैं आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? ये टर्म है क्योंकि पूछा गया आपसे, आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है ये टर्म आपसे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द टर्म ड्यूटी। नाउ मूविंग ऑन टू द टर्म डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज डिनोटेड बाय द सिंबल, दिस स्मॉल ट्राइंगल। स्मॉल ट्राइंगल से हम लोग डेल्टा को डिनोट करते हैं, ड्यूटी को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। डेल्टा इज नथिंग बट इट इज़ अ डेप्थ ऑफ वाटर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ कम्प्लीट इरीगेशन सीजन इन ऑर्डर टू गेट 100% यील्ड फ्रॉम द क्रॉप। मतलब अगर मैं एक क्रॉप उगा रहा हूँ, तो उसमें कुछ डेप्थ ऑफ वाटर मुझे उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस सीजन भर। उस सीजन भर जो टोटल मेरे पास वाटर कॉन्टेंट है, फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, जो उस पूरे सीजन भर चलेगा, ऐसा है, जिसको हमें उसमें मेंटेन रखना है, उस पूरी वैल्यूज को क्यूमुलेट करके जोड़ के जो ओवरऑल पानी का जो अपने पास वाटर कंटेंट आएगा, मान लेते हैं कि 1000 मीटर क्यूब का पानी हमें देना पड़ेगा सीजन भर तक।
1000 मीटर क्यूब का पानी हमें सीजन भर देना पड़ेगा। मैं सीजन इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मैं उसकी जगह पे बेस पीरियड भी यूज कर सकता हूँ। बेस पीरियड मतलब जहाँ से इरीगेशन शुरू होता है से लेकर जहाँ तक इरीगेशन खत्म हो जाएगा। तो 1000 मीटर क्यूब अगर मुझे पानी उसको प्रोवाइड करना है, 1 किलोमीटर स्क्वायर की जमीन है मेरे पास, 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब होगा 10^6 मीटर स्क्वायर, इतनी जमीन का एरिया है मेरे पास। तो डेप्थ ऑफ वाटर विच इज बीइंग सप्लाइड इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फील्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है हमारे पास 1000 मीटर क्यूब, एरिया ऑफ फील्ड कितना है हमारे पास 10^6 मीटर स्क्वायर। तो ये हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 गया, बचा 1/1/1000 क्या मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 100 से, तो ये मीटर में है, इसको 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 100 से ये गया 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर इज डेल्टा। ये डेल्टा की वैल्यू है, डेल्टा ये है वैल्यू उस डेप्थ ऑफ वाटर कंटेंट की, उस डेप्थ ऑफ मॉइस्चर की जो मुझे सीजन भर या बेस पीरियड भर उस क्रॉप को प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्रॉप सस्टेन नहीं कर पाएगी। अब समझ रहे हो मेरी बात को मैं कह रहा हूँ। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको मैं डिराइव नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं डायरेक्टली उस रिलेशन को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को याद रखना है, न्यूमेरिकल में भी उपयोग आएगा और थियोरेटिकल भी डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गलती कहाँ होती है, गलती होती है इसके यूनिट्स में, यूनिट्स इन द सेंस आप हमेशा उसको मीटर का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर ऐसा कर देते हैं, इसलिए इसके यूनिट्स बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा। अब मैं यहाँ पे इसके फॉर्मूले को लिख दे रहा हूँ इस जगह पे। तो ड्यूटी और डेल्टा के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, डेल्टा इज नथिंग बट 8.64 b/d, दिस इज द फॉर्मूला विच इज़ यूज्ड, जहाँ पे डेल्टा की वैल्यू होती है इन मीटर्स, ये मीटर में है सेंटीमीटर में नहीं है। बी होता है बेस पीरियड, बेस पीरियड मैंने बताया था अभी कि जहाँ से इरीगेशन शुरू होता है से जहाँ तक इरीगेशन खत्म हो जाएगा, यानी पानी के आखिरी शुरुआत के पानी से लेकर आखिरी पानी के बीच तक के जो दिन होते हैं, तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ डेज, ये दिन में होता है। और डी जो है ये दिस इज डेल्टा, एंड वो डेल्टा तो हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड के टर्म्स में होता है, या हेक्टेयर पर क्यूमेक भी कह सकते हैं। क्यूमेक का मतलब यही होता है, क्यूमेक का मतलब होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड मेरे पास। सो दिस वॉज ऑल विच आई वुड लाइक टू टेल यू इन दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर सीरीज, होप यू पीपल लाइक डेट। इस नॉलेज का उपयोग करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई इंपॉर्टेंट ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो मुझे बताना है, ठीक है। ड्यूटी और डेल्टा से रिलेटेड आपको अब सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए जेई लेवल तक के, ठीक है। सो दिस इज ऑल विच आई वुड लाइक टू टेल मूविंग फॉरवर्ड। अब अगले लेक्चर में मैं आपको फिर से मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन शेयरिंग, स्टे हैप्पी, थैंक यू।